नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 9 जो आपका चैप्टर है उसको शुरू करूंगी, यूनिट 9 का, जिसमें से मैंने कुछ टॉपिक कवर भी किया है। तो आज चलते हैं यूनिट 9 कम्युनिकेशन पे। तो देखते हैं कम्युनिकेशन में, इसमें आपको बताएंगे नेचर, प्रिंसिपल, फंक्शन, मॉडल, एलिमेंट और इसके क्या प्रॉब्लम या बैरियर्स होते हैं, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। इसमें से मैंने आपको प्रिंसिपल, मॉडल और बैरियर्स के बारे में बता भी चुकी हूँ। तो देखते हैं हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है। इससे लैटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन मतलब होता है कि जो सबको पता चल जाए, जो सबके नॉलेज में हो जाए, उसको बोलते हैं कॉमन हो जाना। तो बोलते हैं हम लोग कॉमन सी बात है, तो कॉमन का मतलब जो सबको पता चले, सब तक वो चीज पहुंच जाए, उसे ही बोलते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पर है टू मेक कॉमन यानी कॉमन बनाना, टू शेयर उसको शेयर करना, टू ट्रांसमिट यानी एक लोगों से दूसरे तक पहुंचाना, या टू इम्पार्ट यानी देना। तो कहने का मतलब कुल मिला के क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एक व्यक्ति की सूचना, ज्ञान, एटीट्यूड, हैबिट दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, दूसरे व्यक्ति एक दूसरे का आदान प्रदान करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, शेयर करना, इम्पार्ट करना, या उसको कॉमन बनाना उस बात को, तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए कोई चीज किसी को नहीं पता रहता फ्रेंड में, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को शेयर कर देते हैं, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो क्या होता है, वो बातें कॉमन हो जाती है, सबको पता चल जाती है। तो वही चीज होता है कॉमन का मतलब, जो सब तक पहुंच जाए। क्या क्या पहुंच जाए देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, फीलिंग्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, यानी क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एक दूसरे से, क्या क्या हो, नॉलेज के रूप में हो, कोई नया विचार हो, कोई फीलिंग एक दूसरे की हो, सुख दुख हो, तो इनमें क्या करते हैं, आपस में ट्रांसमिट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं आपका कम्युनिकेशन, जो आपका नेचर क्या होता है कम्युनिकेशन का, यानी नेचर का मतलब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजों को लेकर के चलता है, ये सारी चीजें यहाँ पर वो नेचर यानी प्रकृति के रूप में बताई गई है। देखिए यहाँ पर है परमानेंस। अब देखिए परमानेंस का मतलब क्या होता है, अस्थायित्व होना, यानी जो हम संदेश उसको दे रहे हैं वो कितने दिनों तक, कितने समय तक उसके पास अस्थायित्व के रूप में रहेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, उतना ही अच्छा वो अस्थायित्व के रूप में प्राप्त कर लेगा। अगर नहीं होगा कम्युनिकेशन अच्छा, तो वो अस्थायित्व क्या होगा, वो अस्थायित्व यानी परमानेंस प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग कोई चीज सुन लेते हैं, तो जो हमारे इंटरेस्ट की चीज होती है वो हमेशा क्लियर हो जाती है, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती उसको याद करना पड़ता है, जैसे एज अ सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो चीजें भूल जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे रुचि की नहीं है, हमारे से संबंधित नहीं है, बस उनको हमें अपने एज अ जॉब, एज अ नॉलेज के रूप में करते हैं, तो इस वजह से वो भूल जाती है। तो परमानेंस का मतलब हमारा कम्युनिकेशन ऐसा हो जो काफी दिनों तक वो अस्थायित्व हो। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेशन, इसमें और क्या चीज ऐड किया गया है कि एक साथ मिल करके कार्य करना, तो ये कम्युनिकेशन का नेचर है। तीसरा हमारा है स्पीड, यानी तीव्र गति से सूचना का प्रसार करना। देखिए इसमें कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, यहाँ पर माध्यम की बात की गई है कि ऐसे कौन से जो हैं जो बहुत ही जल्दी लोगों तक सूचना को पहुंचा देते हैं, जैसे हमारे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, ये हमारे क्या है, ये सूचना को बहुत तीव्र गति से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कम्युनिकेशन क्या है, सूचना का प्रसार प्रचार करता है। नेक्स्ट क्या है, टाइम स्पेस टाइम। देखिए यहाँ पर टाइम स्पेस टाइम का यहाँ पर मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कि सूचना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन सा जो है कम प्लेस में, कम स्थान में और ज्यादा समय तक हमें कह सकते हैं हमारे माइंड में रहता है, तो ये हमारा क्या होता है, टाइम स्पेस टाइम। जैसे कि हम अखबार लेते हैं, रेडियो, जैसे रेडियो में देखिए क्या है, रेडियो में एक समय पर 2 बजे 4 बजे जो उससे सूचना आती होगी, कोई न्यूज आता है, कोई प्रोग्राम आता है, तो उसका टाइम फिक्स है। यदि आप उस टाइम को नहीं देखेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, फिर दोबारा वो
वो चीज आप नहीं सुन पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये होता है आपका टेलीविजन और रेडियो में। तो क्या यहाँ पर टाइम स्पेस टाइम, यदि आपके पास समय होगा तो आप उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे, यदि आपके पास समय नहीं होगा तो उसके बारे में आप जानकारी नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास अखबार हो, आपके पत्र पत्रिकाएं हो, बुक हो, तो उससे आप जब चाहें, जब मन चाहे, तब आप उसमें से ज्ञान को ले सकते हैं। तो ये प्रकृति बताई गई कि इसमें कम्युनिकेशन के नेचर में ये पार्टिसिपेशन होता है इसमें, और इसके साथ साथ स्पीड इसमें होती है, टाइम स्पेस टाइम है, परमानेंस बताता है, और ये हमारा जो कम्युनिकेशन है जन्मजात गुण होता है, यानी ये हमारे इनबॉर्न पाए जाते हैं। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के हम अपने भावनाओं, विचारों, बातों को हम एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और हमारा सार्वभौमिक, ये हमारे क्या है, सार्वभौमिक है, यानी ये कह सकते हैं यूनिवर्सल हो जाते हैं, सबके पास, सब लोग जो है कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं अपने भाव विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। तो सार्वभौमिक का मतलब जो हर जगह हो, यूनिवर्सल हो। और द्विमार्गी का मतलब इसमें दो व्यक्ति का होना आवश्यक होता है, यानी द्विमार्गी, टू वे प्रोसेस होता है, इसमें एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है जो सूचना को प्राप्त करता है। कला और विज्ञान दोनों है, क्यों? क्योंकि इसमें कलात्मक ढंग से यदि अपनी बातों को हम कम्युनिकेट करेंगे लोगों तक, तो ज्यादा से ज्यादा उससे क्या होंगे, लोग प्रभावित होंगे और उससे उस चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और विज्ञान में डिफरेंट चीजें हम वहां पर उनको शेयर करते हैं। तो यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कला भी है और विज्ञान दोनों होता है। तो इसकी क्या है, नेचर है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये लगभग चीजें आपने पढ़ा भी होगा, तो मैंने बस एक एज इसको आप केवल क्लियर कर दे रहे हैं जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। तो देखिए हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे हमने लिखा, मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है, इंट्रा और इंटर। देखिए इंट्रा शब्द जब आ जाता है, ट्रा यानी टी आर ए जिसमें होता है, वो यानी होता है जब हम खुद से बात करते हैं, खुद का अपना इवेल्यूशन करते हैं, खुद में हम चीज को सोचते विचारते हैं, इसको कैसे किया, कैसे किया जाए, कैसे अच्छा होगा, इस सब चीजों को जब खुद अपने आप से मनन चिंतन करते हैं, हमारा क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ये हमारा होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर में क्या होता है, जब हम दो लोगों से बात करते हैं, यानी हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे अपनी बातों को हमें तक पहुंचाता है, वो हमारा क्या होता है, इंटर, INTER, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। और ग्रुप मतलब होता है जब हम दो से अधिक लोग अपने भावों, विचारों, रुचियों को हम शेयर करते हैं, हमारा क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मास का मतलब क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी संख्या हो, वहां पर जो है कोई चीज के बारे में सूचना दे रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, हमारा क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। जैसे रैलियां होती हैं, मेला होते हैं, वहां पर हम सूचना को पहुंचाते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमारा क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। तो ये तक यहाँ पे तक हो गया आपका। अब आते हैं हम एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इंटर इंटर में आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रा शब्द हो जो हम खुद से बात करते हैं, और इंटर होता है जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। अब आता है हमारा एलिमेंट। देखिए हमारा कम्युनिकेशन कैसे संभव होता है, हम किन किन चीजों को उसमें शामिल करते हैं जिसके द्वारा हमारा कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो देखिए यहाँ पर सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं, संचारक भी बोलते हैं, और सूचना भेजने वाला भी कहते हैं इसको। मैसेज यानी संदेश, सूचना जो सेंडर के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। ट्रीटमेंट यानी कितने उसको, मतलब कि इस तरह से उसको उपचारित किया जाए, ट्रीटमेंट उसका किया जाए जिससे वो जो मैसेज जा रहा है वो वास्तविक हो, विश्वसनीय हो और लोगों के ग्रहण करने योग्य हो, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट करना। चैनल, हम ऐसे कौन से माध्यम का प्रयोग करें जिससे, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो एड्स, इनका हम कुछ चैनल का प्रयोग करें जो बहुत ही सुगम तरीके से उन तक पहुंचाया जा सके और वो आसानी से उसको ग्रहण कर सके। और रिसीवर होता है जो ग्रहण करता है, जो सूचना को संचार, जो सूचना को या कोई आइडिया को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ये होते हैं हमारे एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के, जिनके द्वारा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। और अगर आपको आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या आता है, तो यही सारी चीजें आपका आता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। मुख्य रूप से चार है, यहाँ पर हमें पांच दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से आपके कितने होते हैं, चार ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंडर जिसको संचारक कहते हैं, संचारक के गुण क्या होते हैं, उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए,
जो भी आप बताने जा रहे हो उसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान हो, जहां पे जा रहे हो उसके बारे में, लोगों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो, आपके बोलने का तरीका सही हो, आपको इफेक्टिवनेस करने का तरीका सही हो, आपको टीचिंग एड्स के बारे में जानकारी हो, यानी ऑल ओवर उसको पूरी तरीके से नॉलेज हो, जिससे वो अपनी बातों को लोगों के सामने रख सके और लोग उसको आसानी से ग्रहण कर सके, उनको कोई समस्या ना हो। और हमारा मैसेज यानी जो हम सूचना उनको देने जा रहे हैं वो सूचना कैसी हो, जैसे आपने पढ़ा होगा स्पीड, SPEED, यानी यस के सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, और उसके बाद आप इफेक्टिव हो, और इकोनॉमिकल हो, और डुप्लीकेबल हो, यानी ये चीजें क्या है, ये स्पीड का मतलब होता है हमारा मैसेज इतने क्वालिटी उसमें होनी चाहिए जो प्रभावशाली हो, यानी आर्थिक रूप से उसको वो ऐसा ना हो इतना महंगा हो या इतना इस तरह से चीजें हो वो ग्रहण ना कर सके। तो ऐसी चीजें कहने का मतलब है कि हमारा जो मैसेज हो उनकी आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार, और वहां के संसाधनों के अनुरूप हो। ऐसा नहीं है कि जो हम सूचना देने जा रहे हैं पता लगा वो साधन ही वहां पर ना हो। तो कहने का मतलब जो उनके पास रिसोर्सेज हो उसी के अनुसार ही उनको जो है संदेश दिया जाए। ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, ऐसे उस सूचना को दिया जाए जिससे उनको विश्वसनीय लगे वो और वो उसको ग्रहण कर सके। और चैनल मैंने भी आपको बताया, ऑडियो वीडियो एड्स, कौन सा एड्स आप यूज कर रहे हैं, जो चीज वहां पर उपलब्ध हो और जो आप ले जा सके वहां तक, वो चीज आप चैनल का उपयोग करेंगे। और रिसीवर यानी जो ग्रहण करता है और उसके बारे में जानकारी हो कि वो जो ग्रहण करता हो वो क्या हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय हो, ग्रहण करने योग्य हो, उसके अंदर इच्छा शक्ति ज्यादा हो, तो यानी सब चीजें होना चाहिए। नहीं तो पता लगा सेंडर सूचना दे रहा है और रिसीवर उसको ग्रहण नहीं कर रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, उसको जो है टॉपिक में क्या बताया जा रहा है भी नहीं समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब रिसीवर के अंदर भी ज्ञान हो, शारीरिक और मानसिक रूप से वो क्रियाशील हो। ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं उनमें कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कम्युनिकेशन के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, वो हमारे फंक्शंस होते हैं। देखिए इंफॉर्मेटिव यानी क्या होता है, कम्युनिकेशन में सूचना दी जाती है, क्या होता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन होता है इसका कि ये लोगों तक सूचना देने का कार्य करता है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब कि किसी चीज का आज्ञा देना, किसी से काम करवाना, इस तरह से क्या होता है एज ए निर्देशन के रूप में कार्य करता है कम्युनिकेशन। यानी किसी छोटे से या बड़े से काम करवाना हो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके लिए इंस्ट्रक्शन है ये। अब आप परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब होता है कि उनके भावों, विचारों, रुचियों, इच्छाओं, व्यवहारों में क्या करना, परिवर्तन लाने का काम करता है। यानी परसुएसिव का मतलब जो व्यवहार अनुकूल हो, इच्छा अनुकूल हो, उनमें इस तरह से परिवर्तन लाना जिससे वो काम को सही तरीके से कर सके और अपने दैनिक जीवन में उसको अपना सके। और इंटीग्रेटिव का मतलब होता है, इंटीग्रेटिव का मतलब होता है एक साथ मिलकर के, समन्वित रूप में मिलकर के काम करना। तो ये हमें कम्युनिकेशन के कार्य होते हैं, इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्टिव, परसुएसिव और इंटीग्रेटिव। अब आते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या होता है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें मुख्य रूप से तीन बातें आती हैं, एक टेक्निकल, इफेक्टिवनेस और सिमेंटिक। अब देखिए इसमें टेक्निकल का मतलब है कि हम अपनी जो सूचना दे रहे हैं वो सूचना कितने हम प्रभावशाली तरीके से उनको दें, जिससे ऐसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको दिमाग में वो चीज सेट हो जाए, आप उस चीज को समझ में आपके आ जाए, तो हमारा क्या होता है टेक्निकल लेवल होता है कि हम अब कैसे आपको दें, कौन सा मेथड टीचिंग यूज करें, किस तरीके से मैं आपको बताऊं जिससे आप उस चीज को क्या करें ग्रहण कर सके। तो ये होता है हमारा टेक्निकल लेवल। इफेक्टिवनेस लेवल हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं बहुत धीमी आवाज में बोलूँ तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप कमेंट भी करेंगे कि मैडम आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। तो यानी इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो बोलने वाला हो, जो सेंडर हो, उसकी भाषा में इस तरह से उतार चढ़ाव हो, किसी बात को मतलब कि बहुत चढ़ाना हो, बहुत फोकस होकर के कहना, तो उस चीज को और तेज से बोलना जिससे लोग उसको बहुत ध्यान से सुने, और इस तरह से यानी हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में, हमारे टोन में उतार चढ़ाव की होना चाहिए जिससे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वो कम्युनिकेट कर सके। तीसरा लेवल होता है सिमेंटिक, यानी सिमेंटिक का मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहते कुछ है और कुछ समझ लेने वाला, सामने वाला कुछ समझ लेता है, तो यानी शब्द के जो अर्थ होते हैं उसको इस तरह से बताएं, उसका लेवल इस तरह से होना चाहिए जिसको वो सही तरीके से समझ सके। ऐसा ना हो आप देना कुछ चाह रहे हैं
और वो उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं उसके अर्थ को, तो ऐसा ना हो। यानी इसीलिए इसके लेवल होते हैं कम्युनिकेशन के तीन, टेक्निकल, इफेक्टिवनेस और सिमेंटिक। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर के कम्युनिकेशन की क्रिया की जाती है। अब आपका आता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैंने पढ़ाया है और इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी मॉडल और भी, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और भी आपको जरूरत होगी तो मुझे फिर कमेंट में बताइएगा, मैं इसको भी डिटेल में और बता दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर केवल समझाने के लिए दिया है, ज़्यादातर ये आते हैं आपके, ये आपके बर्लोज मॉडल एंड सोर्स, इनकोडर, मैसेज डिकोडर और रिसीविंग। यहाँ पर इनकोडर और डिकोडर क्या होता है? सोर्स का मतलब समझ में आ रहा है, सेंडर होता है जो सूचना को देता है। अब इनकोडर कौन होता है? जैसे हम अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं तो पहले उसको अपने अपने अंदर ग्रहण करेंगे ना, हमें कैसे इसको बताना है, किस तरीके से उनको बताना, किस उदाहरण के द्वारा हमें बताना उनको, तो उसको पहले अपने अपने में हम उसको क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, उसको कोड रूप में अपने आप ग्रहण करेंगे, तब आपको हम उस चीज़ को बताएंगे। यानी जो सोर्स होता है वो किसी चीज़ों को पहले अपने रूप में इनकोड करने का काम करता है, उसको अपने आप में पहले समझता है तब लोगों को बताता है। तो पहले सोर्स हुआ, फिर इनकोडर करता है, उसके बाद उसको मैसेज को देता है, और मैसेज को देने के लिए जो रिसीवर होता है उसके भी तरीके होते हैं समझने के। कोई किसी चीज़ को दूसरे तरीके समझता है, कोई किसी चीज़ को दूसरे तरीके समझता है, कोई लिख के समझता है, कोई देख करके समझ जाता है, कोई जो है उसको बार बार समझाना पड़ता है समझ जाता है। यानी उसके क्या है, उसके जो समझने के तरीके होते हैं वो उसको भी डिकोड करके जो है उसको समझता है और अपने जीवन में उसको अपनाता है। तो यानी इनकोडर सोर्स को इंडिकेट करता है और जो डिकोडर होता है वो रिसीवर यानी ग्रहण करने वाले को जो है इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ें हैं। और भी सरन बीवर का मॉडल है, लास्वेलो का मॉडल है, कौन क्या कहता है, किस माध्यम से करता है, कितने प्रभावशाली तरीके से कहता है, आपका क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये मैंने भी इसको बताया है उसमें मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर किया, क्या क्या कम्युनिकेशन की क्या मीनिंग होती है, कम्युनिकेशन के क्या नेचर हैं, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हैं, इंट्रा, इंटर, ग्रुप, मास, एलिमेंट हमारे हैं, और ये हमारे फंक्शन, इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्टिव, परसुएसिव और क्या इंटीग्रेटिव, और आपके ये टेक्निकल जो है, टेक्निकल इफेक्टिवनेस और आपके जो है सिमेंटिक, ये क्या होते हैं, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, मॉडल हमने बताया। और इसमें मैंने कल आपके लिए क्वेश्चन दिया था, कुछ ही बच्चों ने केवल आंसर दिया, साथ देखते तो कई सारे बच्चे हैं लेकिन इसमें कमेंट जो है बहुत ही लिमिट में आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, देखते हो तो आप कमेंट नहीं करते हो, कहने का मतलब आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो और आप कहते हो ऐसे कौन से मेथड से पढ़े जिससे हमारा क्वालिफाई हो जाए, तो कोई उसका मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी मैं ग्रहण कर लूँगी, बहुत जल्दी जो है मतलब कि क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत जो है कभी शॉर्टकट से नहीं होती, मेहनत लॉन्ग टर्म में होती है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, तब कहीं जाके आपको सफलता मिलती है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद यदि आप उस पर डालेंगे यानी बूंद बूंद से थोड़ी थोड़ी आप नॉलेज ग्रहण करेंगे तब आपका नॉलेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपके एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, तो इसके आंसर देने की कोशिश अवश्य किया करिए। तो आपके मैंने आंसर का आपको पूछा था लो ग्रेविटी किसकी होती है, तो लो ग्रेविटी जो फाइबर होता है वो ओलिफिन फाइबर होता है जिसकी ग्रेविटी 0.92 होता है। कितना होता है? 0.92 होता है इसकी ग्रेविटी। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वेजिटेबल फाइबर की होती है, 1.52 होता है। उसके बाद एनिमल फाइबर में आते हैं जिसका 1.25 सिल्क का होता है। ये आपके होते हैं लो ग्रेविटी किसकी होती है, ओलिफिन फाइबर, सबसे हल्का रेसा होता है। अब आपका आता है हाई इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो बहुत ज़्यादा खींचते हों तो हमारा क्या होता है, वो नायलान होता है। क्या हमारा जो नायलान होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनमें हाई इलास्टिसिटी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके नेट में एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो हाई इलास्टिसिटी किसमें पाई जाती है? नायलान में पाई जाती है। लो डेंसिटी किसकी पाई जाती है? तो रेशम और नायलान में लो डेंसिटी पाई जाती है, बहुत ही हल्के रेशे होते हैं। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? एस्बेस्टस की होती है, जो आपके खनिज तंत्र होते हैं एस्बेस्टस, उसकी जो होती है सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है इसकी। ये क्वेश्चन है और इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब आपका क्वेश्चन, आपके कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है, आपका एक्सटेंशन से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो पोस्टर में ए बी सी, पोस्टर में आपको इंडिकेट करता है पोस्टर ए बी सी के गुणों का से होना हो चाहिए, या जो चार पोस्टर बना रहे हो उसमें ए बी सी
तीन शब्द दिए जाते हैं और तीनों शब्द का मतलब क्या होता है ये मैंने वीडियो में बताया भी है। मेरे एक अलग से पोस्टर और चार्ट की वीडियो भी है एक्सरसाइज एंड कम्युनिकेशन में, वहां पर भी जा सकते देख सकते हो। और नहीं तो यदि आपने जानते हो तो हमें कमेंट में बताइएगा कि पोस्टर में ए बी सी का मतलब क्या होता है। और नॉन ट्रांसपेरेंट ऐसे कौन सा टीचिंग एड है जिसका क्या उसका कौन सा क्या नाम है जो नॉन ट्रांसपेरेंट चीजों को दिखाने का काम करता है। अभी मैंने जल्दी ही इसकी वीडियो बनाया था तो ये आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके बताना है। पहला पोस्टर में ए बी सी का मतलब क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि ऐसे कौन सा इक्विपमेंट्स है जो नॉन ट्रांसपेरेंट चीजों को भी दिखाने का काम करता है। तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।